लो भाई वार्ड की अपडेट देंदे देंदे थमने जलेबियां तो लेके आन पहुंची। अब ये देखो भाई जलेबी गर्मा गर्म बढ़ लग रही उतरन लग रही। अब सोचो भाई यार ये चुनाव की अपडेट दे थी वार्ड की अपडेट दे थी कि भाई किस वार्ड में क्या हाल है और एकदम से जलेबियां तो रखी ऊपर पहुंच गए। तो भाई फिलहाल गांव गावड़ के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे आज दूध जलेबी का प्रोग्राम है। हाँ जी दूध जलेबी का और गर्मा गर्म जलेबी उतरन लग रही है दूध बाहर तैयार दे रहा है। दरअसल भाई अपने अपने तरफ से हर कैंडिडेट और उसके सपोर्टर पूरा जोर लगा रहे हैं अपना चुनाव उठान खातर और उसे चुनावती उठान खातर जो है अलग अलग पैतरे अलग अलग तरीका तो जो है कैंपेनिंग करी जान लग रही है। और वो हर तरीका वो हर जो नया पैतरा है सिटी बिग न्यूज हमने लगातार दिखाने लग रहा है। और इसी के चलते आज फिलहाल गावड़ गाँव में पहुंची हूँ जहाँ पर दूध जलेबी का प्रोग्राम करके जो है लोग आते हैं वोट की अपील करी गई है। पहले जलेबी खुवाई गई है और फिर वोट मांगे गए हैं। तो भाई दूध जलेबी का प्रोग्राम करके एक बहुत हमारे हरियाणा पहले प्रचलित होया कर दिया प्रथा। भाई किसी खातर कोई अच्छाई का कोई प्रोग्राम होया करता किसी का खुशी मनाया जाया करते तो दूध जलेबी का एक प्रोग्राम कर दिया करते और उसका एक प्रोग्राम जो है आज गावड़ गाँव में है। वैसे किस खातर है ये प्रोग्राम कुकी को दारा जो वार्ड 20 से उठे हुए हैं फिलहाल जिला पार्षद के तौर पर के प्रत्याशी के तौर पर तो उनके खातर ये प्रोग्राम करवाया गया है। तो जो भाई जलेबी तो गर्मा गर्म मंडी देख ले चलो ये बहन है कुकी को दारा जी से भी बात कर लें देख लें भाई उनने क्या लगे कि जलेबी खुआई रही जनता लग जो द, 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 सपोर्टर उनके जो है जलेबी खुआन लग रहे सबने इकट्ठे कर करके ये काम आनी भी है कि नहीं आनी है। और इसी के साथ भाई कुकी जी और उनके साथ जो है बहुत सारे सपोर्टर्स इनके मेरे साथ खड़े हुए हैं तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो कुकू जी जिस गांव में जाती हूँ उस गांव में सबसे पहले तो आगे ही मिलते हो और जनता का भी मतलब अच्छा खासा सैलाब आपके साथ दिख रहा है तो ओवरऑल अब क्या लग रहा है चुनाव जीत जाएंगे अभी भी थोड़ी कोई मुश्किल दिख रही है आपको? देखिए साहब जीतने के लिए तो अभी बहुत मेहनत करनी है। अभी तो 8 दिन 9 दिन 22 तारीख तक का एक एक पल हमें मेहनत करनी है। ये अगर गलत फहमी या गलती करेंगे तो ये जनता का जो प्यार है वो मुझ पे है वो मेरे कंधों पे है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं। जनता तो जो अपना काम है 22 तारीख को करेगी इसलिए हर पल मेहनत करने का ही काम रहेगा मेरा 22 तारीख की शाम के 6 या 7 बजे जब तक का भी समय चुनाव का। जी। आज गावड़ गांव में पहुंचे हैं यहाँ क्या फंक्शन है किसकी घर पर आ जाओ यहाँ गावड़ गाँव में आज हमें पूरे हमारे बुड़ाक बांडेड़ी डोबी खारिया सुंडावास बाजरा सबसे था कि आज सबसे प्रार्थना है कि आप आए गावड़ गांव आपका स्वागत करेगा स्वागत के साथ साथ आपको जलेबी खिला के आपको स्वाद चखवाएगा। अच्छा स्वागत करेंगे इसके साथ। चलिए भाई आप गावड़ गांव से हैं जी? नहीं डोबी से हमारे ये डोबी से बासड़ा के सरपंच साहब हैं राजेंद्र जी भाई साहब हैं जिन्होंने परिवार मतलब कई गांव से कुल मिलाकर बात यह है कि कई गांव से लोग यहां पर पहुंचे और गावड़ से ये ताऊ जी यहां पे तो सर गावड़ में सबका स्वागत किया जा रहा है कारण क्या क्यों मतलब इतना जो है प्यार लुटाया जा रहा है? ये सर्वप्रिय उम्मीदवार है हमारे गावड़ में इसलिए इनको सबसे टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है। हाँ। और ये कामयाब होकर जाएंगे यहाँ से। आज इन्हें और इनके समर्थकों को जो है जलेबी खिला करके उनका स्वागत कर रहे हो लग रहा है कि चुनाव के बाद जो है ये जलेबी खाई हुई खिलाई हुई काम आएंगी। हाँ काम आएंगे बिल्कुल विकास करवा पाएंगे विकास करवा पाएंगे विकास के लिए तो बहुत दिनों से तैयार है बहुत पहले से प्रोग्राम बना रखे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई यह थी गांव गावड़ में दूध जलेबी का प्रोग्राम की एक झलक। आगे भी न्यू सिलसिला जारी रहूंगा हर वार्ड के अपडेट में मजेदार ढंग से आपने तक पहुंचाते रहूंगी। बस देखते रहियो सिटी बिग न्यूज। राम राम।